हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्केल सिटी वन। मैं हूं धर्मेंद्र सदानी। क्लास 12 की ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश मीडियम में भी आए हैं। डजंट मैटर वो आरबीएससी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स होता क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड हम डे टू डे लाइफ के अंदर हम काफी सारे गुड्स का, काफी सारे सर्विसेज का यूज करते हैं, लाइक मोबाइल फोन, बुक्स, कॉपी, मार्कर, बोर्ड, फैन, टीवी और बाइक्स, साइकिल्स, काफी सारी चीजों का हम यूज करते हैं। ये जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, व्हाई वी आर यूटिलाइजिंग देम, हम उनका क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये सारी की सारी गुड्स, ये सारी की सारी सर्विसेज कहीं ना कहीं किसी न किसी बेसिस पे हमारी वॉन्ट्स को, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है। और ये जो हमारी वॉन्ट्स है, ये जो हमारी नीड्स है, ये अनलिमिटेड है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक लिस्ट बनाओ अपनी वॉन्ट्स और अपने नीड्स की, तो आपको पता वो लिस्ट, आपकी जो लिस्ट है वो कभी खत्म नहीं होगी। ओके, बट उन सारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्केयर है, यानी कि वो लिमिटेड है। सो इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज का उन अनलिमिटेड वॉन्ट्स पे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वही बताता है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्केयर रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट अवर इकोनॉमिक्स गेन्स आर मैक्सिमाइज्ड एट द माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल। यानी कि इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर, इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो आपको एक ऐसी बेसिक स्टडी प्रोवाइड करता है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो हमारी लैंड है, जो लिमिटेड लैंड है, जो लिमिटेड मनी है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट पे किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है, जिससे हमारा जो गेन है वो मैक्सिमाइज हो सके, न सिर्फ माइक्रो लेवल पर, यानी न सिर्फ हमारे इंडिविजुअल लेवल पर, एज वेल एज मैक्रो लेवल पर, यानी पूरी कंट्री या वर्ल्ड के लेवल पर भी। सो इकोनॉमिक्स हमें बेसिक स्टडी प्रोवाइड करता है कि हम हमारे गेन्स को, हम हमारी प्रॉफिट को, हम हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सके। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स को किसने इंट्रोड्यूस करा वर्ल्ड के सामने, सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। अगर हम इंडियन इकोनॉमिस्ट की बात करें कि इंडिया में जो इंडिया के मेन पॉपुलर जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे वो थे चाणक्य। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। इनकी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है जो 1776 में पब्लिश हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। इकोनॉमिस्ट जो सबसे पॉपुलर इकोनॉमिस्ट, वैसे तो कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं, एडम स्मिथ है, मार्शल है, पिगू है, जेपी से, प्रोफेसर मेहता, देयर आर सो मेनी इकोनॉमिस्ट, बट अगर उसमें से जो मेन इकोनॉमिस्ट थे जो फादर कहे जाते हैं वो है एडम स्मिथ। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने इकोनॉमिक्स को मनी के टर्म्स में, इन्होंने इकोनॉमिक्स को मनी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। दैट मींस कि इस पूरी कंट्री के अंदर, इस पूरे वर्ल्ड में मनी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज सर्कुलेटेड हो रही है ना, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट परचेजिंग, सेलिंग, ओके, कंजप्शन, प्रोडक्शन, जो भी मनी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज सर्कुलेट हो रही है वो सारी की सारी मनी से रिलेटेड टॉपिक्स, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मनी से रिलेटेड सॉल्यूशंस, मनी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं वो सारे के सारे हम इकोनॉमिक्स में एनालाइज करते हैं, इकोनॉमिक्स में समझते हैं। ठीक है, इन्होंने एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को जिस तरीके से डिफाइन करा, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन दी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, यानी मनी का जो साइंस है वही हमारा इकोनॉमिक्स है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स और वी ऑल्सो से टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया हुआ है, द फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये नई प्रॉब्लम आती है, ये इकोनॉमिक्स तो इतनी मुश्किल से समझ में आता है, अब इसके दो पार्ट्स और है। ओके, सो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी लाइफ के अंदर काफी सारे प्रॉब्लम्स आती है, काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, काफी सारे इश्यूज आते हैं, ओके, तो हम उनका मेजरमेंट करते हैं कि यार ये जो चैलेंज आया ना तो बहुत छोटा सा चैलेंज है यार, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है यार, शाम तक तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, यानी कि हम हमारी प्रॉब्लम्स का, हम हमारे इश्यूज का मेजरमेंट करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत छोटे लेवल की है। कई बार हमारी लाइफ में पूरी तरीके से प्रॉब्लम आती है, पूरी तरीके से मतलब धाप के प्रॉब्लम आती है, बड़े लेवल की प्रॉब्लम आती है, तो हम बोलते हैं यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और हम हमारे रिलेटिव से, हमारे फ्रेंड्स का क्या लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं।
ओके सो इकोनॉमिक्स में भी सेम ऐसा ही है। इकोनॉमिक्स में भी कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एक्टिविटीज बहुत स्मॉल लेवल की है, कुछ एक्टिविटीज या कुछ इश्यूज जो होते हैं वो बहुत बड़े लेवल के होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक फैमिली के अंदर बात करूं कि एक फैमिली के अंदर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितने लोगों को नहीं मिल रहा है, यानी कि एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। ओके, बट व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट एज अ होल लेवल, यानी कंट्री लेवल की बात करें कि पूरी कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉय है, सो दैट मींस दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, सो अगर मैं इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को स्मॉल लेवल पर एनालाइज कर रहा हूं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, इकोनॉमिक इश्यूज एज अ स्मॉल लेवल, दैट मींस वी आर डिस्कसिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। And if we are discussing about economic activities and economic problem as a whole level, as a large level, that means we are discussing about macroeconomics. ठीक है, तो सबसे पहले हम microeconomics की बात करते हैं कि when economic activities and economic issues are studied at a small or individual level, it is called microeconomics. जो मैंने पहले आपको बता दिया कि जब हम problems का, economic issues का, economic activities का छोटे level पर जब हम analyze करते हैं उसको microeconomics बोलते हैं। है ना, like a consumer, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म, यानी कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है, उसको सेटिस्फेक्शन कब ज्यादा मिलेगा, एक नॉर्मल प्रोड्यूसर किस तरीके का बिहेव करता मार्केट में, वो कब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा, कब प्राइसेस को कांस्टेंट रखेगा, कब प्राइसेस को राइज करेगा। ठीक है, फर्म की बात करें कि फर्म का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट कब आता है। ठीक है, तो ये सारे स्मॉल लेवल के टॉपिक्स हैं, ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। एक चीज यहाँ पर नोट करने लायक है कि द वर्ड इज माइक्रो, इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोश विच मीन्स स्मॉल, यानी कि जो ये माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया जिसका मतलब होता है स्मॉल। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ प्राइस, बिकॉज इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस से रिलेटेड चीजों का एनालाइज करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज अ होल लेवल एंड एज अ लार्ज लेवल, दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। When economics activities and economics issues are studied as a at whole and large level, it is called macroeconomics. ठीक है, जब भी हम large level के economics issues की बात करेंगे या problems activities की बात करेंगे, जैसे कि पूरी nation की income कितनी, जिसको हम national income बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा GDP। ठीक है, और if you are talking about banking system, कि यानी पूरी इंडिया के अंदर banking system किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से banks loan provide करती हैं, किस तरीके से हम deposits करते हैं, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, ये सारे large level topics। ओके, टोटल एम्प्लॉयमेंट, यानी पूरी कंट्री में टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना, लोगों को कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वर्क फोर्स कितनी है, टोटल अनएम्प्लॉय कितने हैं। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल, यानी इकोनॉमी में मार्केट के अंदर प्राइस लेवल क्या चल रहा है, कब इन्फ्लेशन आ रहा है, कब मार्केट में डिफ्लेशन आ रहा है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो तेजी, मंदी कब आ रही है। ठीक है, आपने मंदी वर्ड बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स में इसको डिफ्लेशन कहा जाता है। ओके, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये ठीक है, ये सारे टॉपिक्स लार्ज लेवल के, स्मॉल लेवल के नहीं है। ठीक है, तो जो लार्ज लेवल के टॉपिक्स है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एनालाइज करते हैं। सेम माइक्रो की तरह द वर्ड ऑफ मैक्रो, इट इज ओरिजिन टू द इन द ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड मैक्रोश विच मीन्स लार्ज, यानी कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो वर्ड है ये भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक वर्ड मैक्रोश से, जिसका मतलब होता है मैक्रोश वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है लार्ज। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो का दूसरा नाम क्या था, थ्योरी ऑफ प्राइस, और मैक्रो का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब हम बात करेंगे फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो आपको पता चल गया, एडम स्मिथ, जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करा इकोनॉमिक्स को वर्ल्ड के सामने। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करा, वो थे जे एम किन्स, यानी कि जॉन मेनार्ड किन्स। इनकी भी एक पॉपुलर बुक है जो 1936 में पब्लिश हुई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी बहुत बुरी कंडीशन में थी। ओके, सो जे एम किन्स ने अपनी बुक के अंदर उससे रिलेटेड इश्यूज एंड सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम को डिस्कस करा था, तो वो थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 के अंदर पब्लिश। सो ये सिंपल सी स्टडी थी मैक्रो और माइक्रो के बारे में, कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।